बारिश हो रही है। तो भाई लोग ये लंच के लिए आए हैं, रोस्ट लैम्ब पूरा का पूरा स्पेशलिटी। We had this similar in Croatia also. Oh really? Yeah. Bread, ayran, which is the lassi ki tarah hota hai, salad, aur wo jo humne dikhaya tha, lamb roast. Lunch. Pistachio. You want to try? तो आज कुछ ज़्यादा खास दिन नहीं था, थोड़ी मीटिंग्स रही, नाश्ता वास्ता किया, लंच किया, वो मैंने आपको दिखा दिया है। आज का दिन और कल जब हम वापस जाएंगे तो मैं उसको एक ही वीडियो में बना दूंगा, व्लॉग को। कुछ ज़्यादा खास नहीं था तो मैंने कहा अलग अलग वीडियोस क्यों बनाना, तो मैं एक ही व्लॉग बन जाएगी ये आज का दिन और कल जब वापसी जाएंगे। तो अभी बस कमरे में आए थे, रेस्ट कर रहे थे, अब हम जाएंगे डिनर करने, तो वो आपको दिखाऊंगा, आपको दिखाते हैं कि कुछ क्या अलग है आज खाने को या क्या पियेंगे, या क्योंकि लास्ट डे अंकारा में तो वो थोड़ा दिखाते हैं, उसके बाद कल बाकू जाएंगे और व्लॉग को जो ये वाला है बाकू जाके एंड कर देंगे। तो आइए चलते हैं। ये होटल कॉरिडोर है, वो राइट में है, सीधा जाके राइट में मेरा कमरा है। ये सीढ़ी ऊपर को, ये आइए लास्ट डे इन अंकारा। कॉलीग्स ने प्लान बनाया कि थोड़ा पीने भी नहीं जाएंगे, तो थोड़ा लोकल कल्चर देखते हैं, ये के दिक्कत कर देंगे। मेरा वाइफ फेवरेट यूट्यूबर बोलता है तो मुझे भी पसंद, तो मैं तो बोलूँगा बाई चांस वो भी देखे तो उसको पता रहेगी, तो मैं उसको क्रेडिट दे रहा हूँ। सबको पता था रियल वन दीप वर्मा, उन्हीं को तो देख के ब्लॉग शुरू किया मैंने। चलते हैं, दिक्कत कर देंगे। तो भाई लोग इस होटल में रुके थे, हम रुके हैं मतलब कल जाएंगे, और ये सामने ही एक कॉफ़ी शॉप है, बढ़िया सा, बहुत ही तगड़ी टर्किश कॉफ़ी चाय मिलती है। तो वेट कर रहे थे किसी का, तो यहाँ पे ऐसे ही चाय कॉफ़ी थोड़ा ऐसे ही चिल कर लिया, जो कल मैंने कल एक बार ब्लॉग में टर्किश कॉफ़ी दिखाई थी वो यहीं पे दिखाई थी, और चाय वगैरह, तो बस ऐसे ही थोड़ा चिल विल किया। अब हम निकलेंगे थोड़ा समझ जाओ पीने, अच्छी अच्छी चीज़ें पीने। ये बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से कुछ समझाते हुए, अच्छा अच्छा है। वहाँ पे लाइव म्यूजिक चल रहा है, ये बार जैसा है, बैठे अब यहाँ खाना पीना जो भी होगा, थोड़ी बहुत ना स्कारफेस वाली फील आ रही है। जिसने भी स्कारफेस देखी है ना वो कमेंट सेक्शन में डाल दे, कमेंट सेक्शन पे कि स्कारफेस वाली फील आ रही है कि नहीं। वो देखो वही ऐसे ही नाइट क्लब बता उसमें भी वो डांस हो रहा है। और भाई लोग आ गए हम, मैं बता रहा था ना कि स्कारफेस की तरह जो नाइट क्लब था बिल्कुल वही फील आ रही है। I was telling that this nightclub is like Scarface nightclub. जगह बदल लिया, पहले वहां बैठे थे, यहाँ पे बैठे वो रहा लाइव म्यूजिक। फुल स्कारफेस वाइब्स, मिलानो। ये राखी में पानी, और ये बन गई सफेद। कि तीसरी जगह है, वन टी टेबल है, बेस्ट है, आराम से पियेंगे, एंजॉय करेंगे म्यूजिक को। तो भाई लोग वापस आ गए हम होटल, रात के 1:30 बजे हमने डोनर कबाब मंगाया, बेसिकली शॉर्मा की तरह होता है। फिर आप बस जाके सो जाएंगे, कल सुबह निकलेंगे नाश्ता करके, चेकआउट करके वापस बाकू। इस व्लॉग का जो एंड होगा वो बाकू जाके होगा। गुड मॉर्निंग फ्रॉम अंकारा। तो भाई लोग कल लेट हो गया था काफ़ी, फिर डोनर भी खाया,
जो इतना लंबा शॉर्मा खा के सुबह तक भूख ही नहीं लगी मैंने तो, मतलब खाया नहीं गया कुछ आज। सुबह उठे बस कॉफ़ी पी एक दो, अब एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं, थोड़ा सा आप कौन कह रहेगा एयरपोर्ट दिखाएंगे, फिर वापस बाकू, और ये जो वीडियो है हम एंड करेंगे बाकू मेरे घर पे जाके। तो अब तक व्लॉग कैसा लग रहा है बताइएगा, कमेंट सेक्शन में लिखते रहिएगा कि क्या मज़ा आ रहा है, क्या नहीं, क्या कमी है, क्या बेहतर हो सकता है। कुछ प्लान नहीं करता यार व्लॉग्स में, मुझे ना ये प्लान वाले व्लॉग्स में फिर मज़ा नहीं आता, क्योंकि आदमी का दिमाग उसमें रहता है अब ये करना अब ये करना। मुझे ये होता है कि मोमेंट टू मोमेंट, जैसे मोमेंट आया बना ली वीडियो, बोल दिया जो भी। बड़ा उम्मीद है आपको मज़ा आया हो व्लॉग्स में। ये कॉफ़ी शॉप है ना पीछे जो हम हमेशा रात को बैठते थे, वो मिस करेंगे, इसकी कॉफ़ी चाय बड़ी टेस्टी होती, बड़ा मज़ा आता। चलो चलते हैं। भाई को अलविदा बोलने का समय आ गया, अब हम जाएंगे वापस बाकू। तो ये इन्होंने पूरा ध्यान रखा, अपना मजा आ गया। भाई लोग कभी एयरपोर्ट पे बार शॉप देखी है? ये देखो बाल कटवा लो अगर जाना है, लगेज वगैरह दे दिया आप, थोड़ा छुटपुट खा के फिर गेट पे चले जाएंगे। ये रहा लगता बार बंद है, ऑब्वियसली कौन कटवाएगा बाल एयरपोर्ट पे। शहर का नाम देखो भाई लोग, बैटमैन। भाई को कुछ समझ नहीं आया तो ये एक ले लिया, मुझे ये हाथ पे रिस्पेंस उसमें बहुत पसंद है। ये देखो वो मड्रिड से लिया था, ये अंकारा, ये बंगला साहेब दिल्ली। वापस जाने का वक्त, फ्लाइट में जा रहे हैं, अब मुलाकात होगी बाकू। पहुंच गए बाकू भाई लोग, ट्रिप समाप्त हुआ। आ गए अपने शहर, अपने घर, दूसरा घर, दूसरा शहर। पहला घर तो ऑफकोर्स दिल्ली रहेगा, दूसरा घर बाकू। पहला घर टैक्सी बैठ चुके घर जा रहे, और ऊपर ऊपर वही बुलाए से जा रहे घर, आधा पौन घंटे में पहुंच जाएंगे, 40 मिनट मैक्सिमम, ज़्यादा दूर नहीं मेरा घर, ये दिल्ली की तरह नहीं है तो एक घंटा लग जाएगा पहुँचने में। स्पेशली जो ईस्ट नॉर्थ साउथ दिल्ली रहते हैं, वेस्ट दिल्ली वाले का बड़े मज़े है, द्वारका वालों के वो 20 मिनट में पहुँच जाते साले। खैर अब कुछ बचा नहीं और दिखाने को, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये तुर्की की व्लॉग सीरीज़ की यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है आपको व्लॉग मेरी पसंद आई, ये वीडियो पसंद आई। तो अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दो इस वीडियो को, शेयर करो जितने लोगों के साथ कर सकते हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ऐसे ही हम स्टोरीज टेलिंग वीडियोज आती रहेंगी, और व्लॉग्स भी आते रहेंगे जहाँ भी जाएंगे, क्योंकि व्लॉग तो बड़ा आसान है बनाना, अनप्लान्ड है, मोबाइल लेता हूँ शुरू करता हूँ, एडिट करना भी ऐसा हो तो जल्दी आ जाती है, और बाकी वीडियोस में थोड़ा एडिट में टाइम लग जाता है तो इसीलिए, और कैमरा वैमरा माइक्रोफोन वगैरह। तो उम्मीद है और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाएंगे, और जिन्होंने देखा होगा 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके मेरे, तो बहुत बहुत शुक्रिया उसका तहे दिल से। अब अगली पार्टी 10,000 सब्सक्राइबर जब हो जाएंगे तो कोई मीट एंड ग्रीट रखेंगे इंडिया में आके, भाई का वादा है। तो अब बस वीडियो को ख़त्म करते हैं, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा सब्सक्राइब करके, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी सीधा नोटिफिकेशन आप पे आ जाएगी। तो अगली वीडियो के लिए तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। यहीं पे ख़त्म करते हैं इस ब्लॉग को, थोड़े से और शॉर्ट्स दिखा देता हूँ।
सनसेट वनसेट के प्यार है। बाकी मेरी तरफ से अभी वीडियो खत्म, शुक्रिया।